after the completion of restoration work of heritage building Vijay High School Mandi, now the residents of district are urging state government to inaugurate this building for tourist activity. ये भवन 1866 का बना हुआ है. उस वक्त एंग्लो वर्निकुलर मिडिल स्कूल के नाम से राजा विजय सैन्य स्कूल का नींव रखी थी और जो है 1921 में इसको हाई स्कूल कर दिया गया. उस वक्त के राजा जोगिंदर सैन जी थे, उन्होंने इस भवन को जो है बनाने के लिए जो है 10,000 की रुपए की राशि प्रदान की गई थी क्योंकि इसको हाई स्कूल कर दिया गया. 1986 में जब प्रदेश सरकार के अन्य स्कूल प्लस टू हुए उस वक्त इसको प्लस टू कर दिया गया. 1998 तक इसमें कक्षाएं चलती रही. 98 के बाद जब नया भवन बन चुका था तो इसको भवन की क्लासें जो है नए भवन में शिफ्ट कर दी गई, परंतु प्रधानाचार्य का कमरा और लाइब्रेरी कक्ष जो है इसी भवन में चलता रहा. सन 2004 में इस भवन को पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया और ये जर्जर हाल में हो चुका था और अंदर कहते हैं इतना मिट्टी पैदा हो गई थी कि उसमें पेड़ भी उग गए थे. सन 2006 में कुछ लाइट मंडी स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट के थे, उन्होंने जो है इस स्कूल को बचाने की मुहिम शुरू की और उन्होंने मिल बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि ओएसए का गठन किया जाए, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन किया जाए. 2006 अक्टूबर को ओल्ड ओएसए का गठन किया गया. ओएसए का एक ही संकल्प था कि इस भवन को बचाया जाए. सरकार के साथ पत्राचार होता रहा तो आज हम देख रहे हैं कि ये भवन आपके सामने जो है उसी रूप में, जिस रूप में हम बचपन में यहाँ पढ़ा करते उसी रूप में इसको मेंटेन किया गया. पिछले जमाने में तो ये बहुत अच्छी रही होगी पहले, पर अभी जर्जर हालत में थी. कितने समय से हम देखते थे तो टूटी फूटी ऐसी बिल्डिंगें नजर आती थी, तो बीच में ये अनिल शर्मा जी ने इनिशिएटिव लिया और हेरिटेज वालों का साथ लेकर इन्होंने इसे अब बहुत अच्छी हालत में ला दिया फिर से. और अब तो ये एक असेट बन गया है मंडी शहर के लिए. हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज, नीचे जो आंगन बना है उसमें तो कभी सम्मेलन हो सकता है और कहीं और सम्मेलन हो सकते हैं, संगीत प्रतियोगिता भी हो सकती है बहुत अच्छी सी. और यहाँ जो हॉल बने हैं वो मीटिंग हॉल बहुत अच्छे हैं. अब तो मुझे लगता है कि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो भी इसे देखना पसंद करते हैं और बीच बीच में बहुत लोग अब आके इसको विजिट करते हैं तो अच्छा लगता है. छोटी काशी के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है. इसको इसमें जो है लाइब्रेरी हो गया और कोई और भी मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं. मतलब जो मंडी की प्राचीन राजाओं की संस्कृति थी उसको जो डिस्प्ले किया जाना चाहिए यहाँ पर. तो मैं सोचता हूँ कि मंडी के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा. जब यहाँ ऐतिहासिक चीज़ें दिखाई जाएंगी तो जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करेंगे और इनका जो है अपने मंडी का जो इतिहास रहा है उसका भी ज्ञान प्राप्त होगा.